मेन टू एक्टिविटी पे आते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने जो डाटा वहां पे एडिट बॉक्स में लिखे हैं उसको हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में शो करवाएंगे। ओके सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक बंडल क्लास का हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, अपना जो इंटेंट है उसको लेंगे और जो पुट एक्स्ट्रा से हमने डाटा रखवाया था वो उठाएंगे। ओके देन फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा डाटा जो है वो नल तो नहीं है, ऑब्वियसली जो उसमें टाइप करेंगे वही आगे शो करना है ना। अब जो क्या था, हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेते हैं, लेट्स सपोज इट्स नेम इज, ये स्ट्रिंग गेट करेगा। गेट करने के बाद उसको क्या करेगा, जो हमने टेक्स्ट व्यू यूज हुआ है उसकी आइडेंटिफिकेशन हम देंगे यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं उसका नेम रख देती हूँ एक्टिव। अच्छा इसको लिखने के जो आपके पास होते हैं ये एडिट बॉक्सेस होते हैं, टेक्स्ट यूज होते हैं, इनको आइडेंटिफिकेशन देने के दो तरीके होते हैं। एक तो चीज ये होती है कि आप इसको क्या करें, जिस तरह मैंने बटन को किया, पहले बटन का नाम रख ले एंड देन उसको आइडेंटिफिकेशन दे दे, एक तो तरीका ये हो गया। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट यू का पहले नेम रख ले एंड देन उसको नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिफिकेशन दे दे। दूसरा अच्छी तरीका क्या है कि आप क्या करें, साथ ही टेक्स्ट यू की साथ यहाँ पे मेंशन करें डेटा टाइप या उसकी क्लास मेंशन करें, उसका एक नेम रखे यहाँ पे वेरिएबल नेम जो भी आपने रखना है एंड देन फिर आप उसको क्या करें, डायरेक्टली उसको यूज कर लें, आइडेंटिफिकेशन दे दें। ये पॉइंट क्लियर हुआ है आपका, सेट टेक्स्ट जो भी इसमें हमारे पास माय मैसेज में आएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके ये मैं आपको कोड जो है वो राफेल में आपको सेंड कर दूंगी, आप इसको इंपोर्ट करके रन करके देख लीजिएगा, इट इज इन वर्किंग कंडीशन। एक्चुअली मैं आपको ये दिखाती हूँ, यहाँ तो कोई क्यूरी है आपकी तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये एसडीके जो न्यू गाइस है, आपने क्या करना है, ये एसडीके अपना इंस्टॉल करना है बिफोर रनिंग। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स सपोज आप एंड्रॉइड इंस्टॉल कर लेते हैं, एसडीके इंस्टॉल नहीं करते हैं एंड देन ऐप को रन करेंगे तो ऐप रन नहीं होगी, बिकॉज दीज आर द एपीज लेवल यू आर डिफाइनिंग। ये देखिए गाइस, ये जो सबसे लास्ट पे है ना आपके पास, ये जो होती है एम्यूलेटर एसिलेटर, ये जो चीज है ना इसके जरिए आपका एम्यूलेटर चलता है, इसका इंस्टॉल होना जरूरी है। अब ये जो है ना ये मेरा इंस्टॉल नहीं होता है पहली चीज, इसलिए मैं आपको एम्यूलेटर पे रन नहीं करके दिखा सकती। और दूसरी चीज ये है कि आप इसको अपने मोबाइल पर डायरेक्ट कर सकते हैं, आप अभी पीडीएफ फाइल जो रिसीव करेंगे ना सर इमरान से, वो फिर आप उसमें पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा किस तरह से आपने उसको करना है, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि आप जेनी मोशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जेनी मोशन जो है वो एक एम्यूलेटर, उसको आप एज अ यस यू के इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको एज अ एम्यूलेटर यूज कर सकते हैं।